सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। मारुति की सबसे सस्ती 7 सीटर कार के लिए हो जाए तैयार, इस दिन होगी भारत में लॉन्च। भारत में मारुति सुजुकी अपनी सस्ती 7 सीटर अर्टिगा का नया अवतार 21 नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कार पुराने मॉडल के मुकाबले कई नई बेहतरीन फीचर्स से लैस होगी, साथ ही बिल्कुल नया और रिफ्रेश लुक भी यहां देखने को मिलेगा। यह कार नए 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से लैस होगी, जो अधिकतम 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर प्रदान करने वाले सक्षम होगा। वहीं इस कार का डीजल इंजन 88 bhp का पावर 200 न्यूटन टॉर्क पर प्रदान कर पाने में सक्षम होगा। इंजन संचालन के लिए 5 स्पीड और 4 स्पीड मैनुअल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प देखने को मिल सकता है। दोनों इंजन हाइब्रिड तकनीक से लैस होंगे, जिसकी वजह से कार का माइलेज अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन होगा। कार के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें 16 इंच के छोटे अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। पहले ही मुकाबले कंपनी ने कार के ग्राउंड क्लियरेंस को घटाकर 180 मिलीमीटर कर दिया है। शानदार LED टेड लाइट रिंग हेडलाइट के साथ कार को रियर लाइट भी प्रदान करेंगे। वही इंटीरियर में यह कार 7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, क्लियरेंस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ भी कई बेहतरीन फीचर्स से लैस होगी। सेफ्टी फीचर के तौर पर इस कार में ABS, ABD और डुअल एयरबैग जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 8 से 11 लाख रुपए तक होगी। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला मुख्य रूप से महिंद्रा मराजो होंडा VRV से होगा। तो दोस्तों, ये कार आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।